प्रशासन ने टीवी वन इंडिया की खबर के बाद 4 भूखंडों का प्रस्तावित आवंटन रोक दिया है और जांच तेज कर दी है। रीजनल ऑफिसर सतीश बागल ने बताया कि इस मामले में प्रकल्पग्रस्त नथुराम टोपले और भारती रत्तु कड़ू समेत कई प्रकल्पग्रस्तों ने शिकायत की थी और RTI एक्टिविस्ट विकास पाटिल और कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जाँच और कार्रवाई की मांग की थी। देखिए न्यूज इम्पैक्ट। गरीब लोकांना फसवून त्यांच्याकडून प्लॉट घेतलेले आहेत। विकास पाटील आणि MIDC च्या काही अधिकारी मिळून हे घोटाळा केलेले आहेत, तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी आणि त्यांचे जे ओरिजिनल लोक आहेत त्यांना हे प्लॉट मिळावे। मी MIDC मध्ये 3 वर्षापासून जातो आम्ही, पण आम्हाला अजून आमचा प्लॉट नाही भेटला। विकास पाटलांनी दुसरी खोटी माणसं उभी करून दुसऱ्यांना दिलेलं आहे, हे खोटा आहे सर्व। तर आमची प्रॉपर्टी आम्हाला भेटायला पाहिजे आणि ज्यांनी विकले खोटं व्यवहार केलेला आहे त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। MIDC ने प्रकल्पग्रस्तों की शिकायत पर दिघा के 4 PAP भूखंडों का आवंटन रोक दिया है। रीजनल ऑफिसर सतीश बागल ने बताया कि प्रकल्पग्रस्त नथुराम टोपले, भारती दत्तु कड़ू और उसके परिजनों ने हेमंत पाटिल के जरिए इस भूखंडों के आवंटन को अवैध बताते हुए अपत्र एवं बोगस लोगों को आवंटित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस और MIDC को दी गई शिकायत में प्रकल्पग्रस्तों ने एजेंट विकास पाटिल को इस फर्जीवाड़ा का सूत्रधार बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। प्रकल्पग्रस्तों को मदद करने वाले समाज सेवी हेमंत पाटिल ने इसका खुलासा किया था। RO सतीश बागल ने बताया कि क्योंकि आरोप गंभीर है इसलिए इसकी जांच की जा रही है। पात्रता का दावा करने वाले और जिनके नाम पर जमीन आवंटित हुई है उनके दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि सच सामने आ सके। RO ने कहा कि इस जांच के पूरे होने तक सभी भूखंडों का आवंटन स्थगित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।